नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में टाइम एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हर काम टाइम पे ख़त्म करना होता है, फिर चाहे आप बिल्डर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, इन सभी के अलग अलग टास्क रहते हैं जो कि इनको टाइम पे ख़त्म करना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे स्टील फिक्सिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। RCC स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर डिजाइनर जिस टाइप की स्टील डिजाइन देता है, ठीक वैसे ही ड्राइंग से देख के रिइंफोर्समेंट इरेक्ट करना। आज हम यहाँ पे एक मशीन के बारे में बात करेंगे जो स्टील फिक्सर्स का काम जल्दी करने में मदद करता है। ये है मैनुअल CNC स्टिरअप बेंडिंग मशीन। मैनुअल इसलिए क्योंकि इसमें और एक फुल ऑटोमेटिक मैकेनिज्म वाला मशीन आता है जिसमें ऑपरेट करने के लिए भी वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे हम मैनुअल CNC स्टिरअप बेंडिंग मशीन का वर्किंग देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो स्टील बार्स को स्टिरअप की डिजायर्ड लेंथ में काट दिया जाता है और जहाँ से इन बार्स को बेंड करना है वहाँ मार्किंग किया जाता है एज पर ड्राइंग, और फिर बेंड करने में हमें जितना एंगल सेट करना है वो एक पैडल की मदद से हम सेट कर सकते हैं। 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60, 90, 145, जितना चाहे उतना एंगल आप सेट कर सकते हैं यूजिंग वन पैडल। एंगल सेट करने के बाद इस प्री कट स्टील बार को मशीन में इस तरह से रखा जाता है और फिर जहाँ पे हमने मार्किंग किया है उस पॉइंट को इस तरह से यहाँ पे बेंड के पास रखा जाता है। बेंड करने के लिए दूसरा पैडल दिया है जिसे प्रेस करते ही मशीन इस तरह से रोटेट होने लगेगा और हमारा डिजायर्ड एंगल जो है वो स्टिरअप में बन जाएगा। ये मशीन 20 mm तक के डायमीटर वाले स्टील बार्स को बेंड करने के लिए बना है, पर इससे हैवी मशीन अगर आप खरीदते हैं तो ये 32 mm डायमीटर तक के स्टील बार्स को बेंड कर सकता है। तो ये CNC स्टिरअप बेंडिंग मशीन जनरली आपको मार्केट में 35 से 40 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।